सुनो, अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी को कुछ भी ना बताऊं तो आज रात को 10 बजे मेरे कमरे में सोने के लिए आ जाना। ये बात उन दिनों की है जब मैं और मेरा भाई रामकुमार घर पर अकेले थे, क्योंकि उन दिनों मेरे मामा के लड़के की शादी थी जिसमें मेरे मम्मी और पापा 5 दिनों के लिए गए हुए थे। मेरा नाम कोमल है और मैं 20 साल की हूँ। मेरा छोटा भाई रामकुमार 19 साल का है। हम रोजाना पढ़ने के लिए स्कूल जाती है। उस दिन मेरे मम्मी पापा शाम को शादी में चले गए। उनके जाने के बाद हम दोनों जैसे ही घर में आए तो रामकुमार ने कहा, दीदी आज 10 बजे मेरे कमरे में सोने के लिए आ जाना। एक बार मैं ये सब सुनकर स्तब्ध रह गई, लेकिन कुछ देर बाद मैं रामकुमार के कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। कुछ देर बाद रामकुमार आया और मुझे बिस्तर में देख हल्का सा मुस्कुराया। मेरी धड़कन बढ़ती जा रही थी और फिर रामकुमार ने कमरे की बत्ती बुझाई और वो बिस्तर में आकर सो गया। मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी, लेकिन उस दिन जैसा मैंने सोचा था वैसा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे रामकुमार के ऊपर शक था कि वह जरूर इस मौके के फायदा जरूर उठाएगा। इन सब विचारों को मैंने मेरे मन में दबा लिए। फिर दूसरे दिन रामकुमार ने दोबारा मुझे अपने कमरे में सोने के लिए बुलाया। इस बार मैं बिना डरे उसके कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। कल की तरह रामकुमार आया और वो भी मेरे साथ बिस्तर पर लेट गया। उन दोनों नवंबर का महीना चला रहा था तो हल्की हल्की सर्दी पड़ना आम बात है, लेकिन उस दिन तो कुछ ज्यादा ही सर्दी पड़ रही थी। मैं रामकुमार के साथ चिपक गई और पता ही नहीं चला कि कब हमें नींद आ गई। पूरी रात कब गुजर गई पता ही नहीं चला। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।